हेलो बच्चों, ये मेरा वीडियो नंबर 20 है। इसमें भी हम बेसिक मैथ करेंगे, पर इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं जितने भी वीडियो बना चुका हूँ, ये क्वेश्चन उन्हीं में से हैं, इसलिए इसे खुद से ट्राई करें। अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है वीडियो देखें, अदरवाइज इसे खुद से करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड फैक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ x। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स। फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x और y को एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड है, x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ भी एलिमिनेशन मेथड है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज़ द यूनिक सोल्यूशन। यहाँ यूनिक सोल्यूशन के लिए पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। सेम सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारा माइनस 10 आए, प्लस और माइनस करने पर हमारा माइनस 3 आए। तो हम कह सकते हैं माइनस 5 और प्लस 2, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। अब एक्स स्क्वायर 3 की जगह माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस 5x प्लस 2x करें तो माइनस 3x ही आएगा, मतलब माइनस 3x को हमने माइनस 5x प्लस 2x में तोड़ लिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकालें, बाकी बचे x माइनस 5। इन टू टर्म्स में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर हमारे पास माइनस 7 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो दो टर्म्स होंगी 6 और 1, दोनों ही माइनस के। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 7 आएगा, माइनस 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले टू टर्म्स में से हम 2x कॉमन निकाल लें, x माइनस 3, और यहाँ दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 3। ये ख्याल रखना है कि ये दोनों जो हैं सेम आने चाहिए आपके पास। हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो 2x माइनस 1 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 3 0 के इक्वल होगा। यहाँ 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 2, x इज इक्वल टू 3 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो 82 का 16x स्क्वायर, 81 दा 8, और 1 बाय 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके 16 आए, 16 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 16, और दो टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पर हमारा माइनस 8 आए, तो ऐसे टर्म्स होंगे हमारे पास माइनस 4 माइनस 4। मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 16 और प्लस करोगे तो माइनस 8, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4x कॉमन निकले हैं दो टर्म्स में से, हमारे पास रह गया 4x माइनस 1, या माइनस 1 निकलेगा या 4x
माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, फोर एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू रूट फाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस फिफ्टीन, प्लस और माइनस करने पर हमें टू रूट फाइव, तो ये रूट वाला है तो हम इसे थ्री रूट फाइव और वन रूट फाइव, ये माइनस का ये प्लस का, ये फैक्टर ध्यान से देखें, अगर थ्री रूट फाइव में से वन रूट फाइव निकालेंगे तो टू रूट फाइव आएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस फिफ्टीन आएगा। तो थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री रूट फाइव एक्स माइनस रूट फाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ थ्री एक्स कॉमन निकालें इनमें से, हमारे पास बचा एक्स प्लस रूट फाइव, यहाँ माइनस रूट फाइव कॉमन निकालें, हमारे पास बचा एक्स प्लस रूट फाइव, जो माइनस फाइव है इसे हम माइनस फाइव रूट और माइनस फाइव रूट ऐसे डाल सकते हैं, इसे हम सॉरी फाइव को हम रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव ऐसे डाल सकते हैं, तो रूट फाइव हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास रूट फाइव बच गया। थ्री एक्स माइनस रूट फाइव और एक्स प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो थ्री एक्स माइनस रूट फाइव ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर एक्स प्लस रूट फाइव ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ थ्री एक्स की वैल्यू रूट फाइव, एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव, दैट इज आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो और नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, ये नंबर वन ये नंबर टू। सबसे फर्स्ट इक्वेशन थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर, फोर को दूसरी साइड ले चलो, माइनस की टर्म प्लस की होगी, ये नंबर वन इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, नंबर टू। अगर इसे हम टू से मल्टीप्लाई कर दें या इसे फाइव से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई का कोफिशियंट इक्वल आ सकता है। अगर आप एक्स के कोफिशियंट को इक्वल करना चाहते हैं तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को, आपका काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें टू से, सिक्स एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू एट, फोर्टी फाइव एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू थर्टी फाइव। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय टू एंड सेकंड बाय फाइव एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम वन। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस ये प्लस वाली टर्म माइनस, तो प्लस वन टेन वाई माइनस टेन वाई से कैंसिल आउट हो गया, माइनस थर्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस से माइनस कट ऑफ हो गया, एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी नाइन, यहाँ हमारे पास थर्टीन आ गया, यहाँ हमारे पास नाइन, नाइन अपॉन थर्टीन। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड, नाइन एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, या एटी वन अपॉन थर्टीन माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, यहाँ हम लिख सकते हैं एटी वन अपॉन थर्टीन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू वाई, तो टू वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया, इसे सॉल्व करें, थर्टीन एटी वन माइनस नाइन्टी वन,
तो हमारे पास माइनस टेन अपॉन थर्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन थर्टीन मल्टीप्लाई टू, जैसे कट करके माइनस फाइव अपॉन थर्टीन, दैट इज आंसर। और सिक्स क्वेश्चन हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, ये नंबर वन ये नंबर टू। अगर हम इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय थ्री एंड एडिंग वन एंड टू, तो पहले थ्री से मल्टीप्लाई करें, थ्री मल्टीप्लाई एक्स थ्री एक्स, थ्री मल्टीप्लाई वाई थ्री वाई, फाइव मल्टीप्लाई थ्री फिफ्टीन, और ये एज इट इज ही लिख देनी है आपको। और दोनों को प्लस करने पर थ्री वाई से थ्री वाई कट गया, फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन, एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फाइव, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, नाइन अपॉन फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस नाइनटीन अपॉन फाइव, इसे सॉल्व करें, फाइव मल्टीप्लाई वन फाइव, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव माइनस नाइनटीन, तो हमारे पास आंसर आ गया सिक्स अपॉन फाइव। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास नाइनटीन अपॉन फाइव और वाई का वैल्यू हमारे पास सिक्स अपॉन फाइव, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन, टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू, ये नंबर वन इक्वेशन है, ये नंबर टू, ये आप खुद से ट्राई करें। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास फोर एक्स प्लस पी वाई प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो उन्हें आप एट को उधर लेके जाए, माइनस एट करें, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इस तरफ टर्म हमने जब ही रखनी है जब हमने 2312 या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करना है। तो ए वन का वैल्यू फोर, बी वन का वैल्यू पी, सी वन का वैल्यू माइनस एट, यहाँ ए टू का वैल्यू टू, बी टू का वैल्यू बी टू, सी टू का वैल्यू माइनस टू, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये कंडीशन है हमारे पास। फोर अपॉन टू नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन टू, तो ये टू से टू कट गया, फोर नॉट इज इक्वल टू पी, पी नॉट इज इक्वल टू फोर, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन, टू एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू एट, यहाँ ए वन का वैल्यू थ्री, बी वन का वैल्यू माइनस थ्री, सी वन का वैल्यू सिक्सटीन, ए टू का वैल्यू टू, बी टू का वैल्यू पी, सी का सी टू का वैल्यू एट, तो फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो हमारे पास थ्री अपॉन टू नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन पी, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री पी नॉट इज इक्वल टू माइनस सिक्स, थ्री को पी से टू को माइनस थ्री से, तो पी नॉट इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन थ्री, पी नॉट इज इक्वल टू माइनस टू, दैट इज आंसर।